राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जंग के हम 13वें दिन पर हैं, हायर डायमेंशन क्या देखते हैं इस वॉर का? अब देखिए, जो लड़ाई है अभी कीव में लगभग थम गई है। आज लगातार तीसरा दिन है जब कोई फायरिंग या शेलिंग कीव शहर के ऊपर नहीं हुई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लड़ाई थम गई है। जो आउटस्कर्ट्स है कीव के, इरपिन है और बाकी जो छोटे मोटे उसके आसपास शहर हैं, गांव हैं, वहां लड़ाई अभी भी जारी है। और जो रूसी फौज है, जो इरपिन के बारे में आपको एक बता दूं पहले, कि जो रूसी फौज की जो आर्मर है, जो हम 62 किलोमीटर लंबे और 32 किलोमीटर लंबे कॉन्वॉयज की बात सुनते आ रहे हैं पिछले 10 दिन से, जो आर्मर है वो इरपिन शहर में नहीं घुसा है रूस का। ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है यूक्रेनियन फौज के सोर्सेज से। और जो इन्फेंट्री है इस वक्त सिर्फ वही अंदर है इरपिन शहर के अंदर। और इरपिन एक काफी बड़ा, अपने आप में एक सबर्ब है कीव का, लेकिन काफी बड़ा बिल्टअप एरिया है, काफी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है वहां पर और काफी पॉपुलेटेड एरिया है वो। तो लोग वहां से निकल चुके हैं ज्यादातर इस वक्त, लेकिन जो फाइटिंग है वो अभी स्ट्रीट्स में बिल्डिंग टू बिल्डिंग चल रही है। और आपके मिलिट्री एनालिस्ट आपको बताएंगे कि फाइटिंग इन अ बिल्टअप एरिया इज अ नाइटमेयर फॉर इन्फेंट्री। उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम है बिल्टअप एरिया में लड़ना इन्फेंट्री के लिए बिना आर्मर्ड सपोर्ट के, क्योंकि आपके ऊपर कहीं भी स्नाइपर बैठा हो सकता है, कहीं से भी फायर आ सकता है, किसी भी अपार्टमेंट ब्लॉक में छुपके कोई भी आपके ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंक सकता है। तो एक इन्फेंट्री के लिए ये बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन होता है और बहुत लंबा ऑपरेशन होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये इरपिन की लड़ाई लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि जो मैंने डिफेंसेस देखे हैं वहां पर यूक्रेनियन फौज के, वो काफी पुख्ता है। और वहां मैंने फर्स्ट हैंड जेवलिन मिसाइल का यूज होते हुए देखा है रशियन टैंक्स के ऊपर। तो वहां जो उनको इक्विपमेंट की सप्लाई है और जो उनका संख्या बल है वो काफी ज्यादा है यूक्रेनियन फौज का। और मैं आपको एक चीज के बारे में मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता दूं कि ये एक्सिस क्लियर करना, ये नॉर्थ वेस्ट में आता है कीव के, रूसी फौज के लिए इस एक्सिस को क्लियर करना बहुत जरूरी है अपने फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन के लिए कीव के ऊपर। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा उनके ऑपरेशन डिले होगा, और मुझे नहीं लगता कि कीव में अगले 6 से 7 दिन तक फुल फ्लेज्ड ऑफेंसिव होगा। ओवर टू यू शुभंकर जी। जनरल कुलकर्णी, कुछ आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। राजेश, टेक केयर, बी केयरफुल। आज मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले 3-4 दिनों से जब वहाँ पे फायरिंग नहीं हुई है, क्या आपको लग रहा है कि कीव डिफेंसेस आर बीइंग प्रिपेयर्ड? क्या आपको लग रहा है कि कीव के अंदर चाहे 35 लाख की आबादी ना हो, कम से कम 4-5 लाख लोग हैं अभी भी मर्द जो हथियार उठाने के लिए तैयार हैं? क्या उनको ये लगता है कि कीव गिर गया तो यूक्रेन भी गिर गया, तो कीव को छोड़ेंगे नहीं करके वो जज्बा दिख रहा है आपको जमीन पर? राजेश, देखिए, जहां तक डिफेंसिस का सवाल है, जो मैंने इरपिन में और आसपास के इलाके में जहां इस वक्त लड़ाई चल रही है और शहर के अंदर जो डिफेंसिस प्रिपेयर हो रही हैं, डिफेंसिस लगातार प्रिपेयर की जा रही हैं एंड लगातार इंप्रूव करी जा रही हैं। तो शहर के अंदर जब वो आएंगे, और ये एक उन्होंने पुख्ता इंतजाम कर रखा है पूरे शहर के अंदर, कीव के अंदर, कि अगर रूसी फौज कीव के अंदर दाखिल होती है तो जो उनके आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं और दूसरी जो ट्रैक गाड़ियां हैं, उनको भी वो मेन रोड्स डिनाई कर सकें। और जब तक वो मूव नहीं करेंगे, इन्फेंट्री के लिए मूव करना मुश्किल होगा, शहर पे कब्जा उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जो पेरीमीटर डिफेंस है, खासकर एक्सेस नॉर्थ वेस्ट, उसके ऊपर डिफेंसेस काफी पुख्ता हैं। कंक्रीट ब्लॉक्स से उन्होंने कंक्रीट बंकर्स बना लिए हैं वहां पर अभी, और लगातार जो है दोनों से फायरिंग चल रही है वहां। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि रशियन आर्मी का एडवांस वहां काफी स्टॉल होगा और जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा वहां पर, ऐसा मेरा सोच है।